भारतीय जनता पार्टी का कन्वीनर जेके जी, आज आपको इसलिए तकलीफ हमने यहाँ पर दी कि आपने बार बार देखा होगा हम लोगों के प्रदर्शन या बीटीसी वालों के प्रदर्शन, क्योंकि पिछले चार पांच सालों से बीटीसी का एक मसला बना हुआ था, क्योंकि बीटीसी जो थी 1994 में बनाई गई जब जम्मू कश्मीर के अंदर पीक पर मिलिटेंसी थी, हालात बहुत ख़राब थे, खास करके जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है, डोडा डिस्ट्रिक्ट और किश्तवाड़ और रामबन, वहाँ पर बहुत सारी किलिंग जो बार बार हम बोलते हैं, और उसके बाद माइग्रेशन का प्लान भी वहाँ पर शुरू हो गया था जैसे कश्मीर के अंदर। उस वक्त एक बीडीसी का कयाम किया गया, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा आंदोलन किया जम्मू कश्मीर के अंदर, उसके बाद बीडीसी बनी, और बीडीसी जो ही बनी उस वक्त कोई तनख्वाह का मसला नहीं था, लोग कहते थे हमारी जान कैसे बचे, हमारे इलाके कैसे बचे और माइग्रेशन को कैसे रोका जाए, इस पर यह बीडीसी बनी। मत 1999 के अंदर जब अटल जी की सरकार बनी तो इनको तनख्वाह भी, तनख्वाह नहीं यानी इनका खर्चा मिलने लगा, 1500 से वो स्टार्ट हुआ, आज एक बीडीसी का 54,000 रुपया है जो आ रहा है सेंट्रल सरकार जो दे रही है। उसमें उस वक्त के हालात को देखते हुए वहाँ पर एक बीडीसी जो है 8 और 10 मेम्बरों पर बनाई गई थी, उनके तीन यानी कि उनके कमांडर थे जिनको एसपीओ का नाम दिया गया बाद में, उनके खाते में पैसा आता तो सबको डिवाइड होता था, मगर जूँ ही यह उनके अकाउंट में चला गया, एक तो लड़ाई वहाँ से शुरू हुई कि अकाउंट में चला गया उनके हमारा पैसा, दूसरा जो बेचारे एसपीओ मर जाते थे या टर्मिनेट होते थे उनको अरसा 10 साल से कोई लगा नहीं रहा था, आज भारत सरकार ने और जम्मू कश्मीर के LG ने और जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP दिलबाग सिंह जी ने, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, एक अच्छा फैसला लिया है जिससे वो BDC दोबारा कॉन्स्टिट्यूट की जा रही है, जैसे 1994 के अंदर बनी थी वह उसी पैटर्न पर दोबारा उनके तीन एसपीओ काम करेंगे। ये बहुत बड़ा फैसला है जो काफ़ी देर से जिसलिए हम लड़ रहे थे, वो दोबारा जब BDC दोबारा कॉन्स्टिट्यूट हो रही है, नए सिरे से BDC के काम करेगी गांव के अंदर, क्योंकि BDC काफ़ी भी जरूरत है, BDC नहीं होगी तो डोडा डिस्ट्रिक्ट की पहाड़ियाँ बचानी बड़ी मुश्किल है, और इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। हम बार बार कहते हैं आपके क्या बोलते हैं आपके चैनल के माध्यम से भी, आप प्रेस भाइयों की मदद से हर वक्त ये बात बोलते हैं कि इन लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है और आपसी भाईचारा भी वहाँ पर रखा है, लोगों को भी बचाया है और आपसी भाईचारा भी रखा है और जम्मू कश्मीर को भी बचाया, अपने इलाकों को भी बचाया है। ये बहुत बड़ा फैसला है, मैं एक बार फिर यानी कि जम्मू कश्मीर के LG भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर की हाईकमान का शुक्रिया अदा करता हूँ, और DGP साहब का जिन्होंने अच्छा फैसला लिया, और BDC के SPO द्वारा बाहर किए। अब दूसरी बात जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने आज दिल्ली में भेजी, हर BDC मेम्बर को तनख्वाह लगे, उसके लिए भी जल्दी हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक दल जो दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जाकर हम ये बात करेंगे होम मिनिस्टर से कि उनके पर अकाउंट में पर BDC के पर अकाउंट को उनको पैसा मिले, क्योंकि बेचारे काम कर रहे हैं काफ़ी देर से कर रहे हैं, मगर ये जो फैसला हुआ बहुत ही अहम फैसला है जो पिछले 10 साल से हम लड़ रहे थे कि जो SPO मर गया।